भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना बैसाख शुरू हो चुका है। मान्यता है कि धर्म, तप, यज्ञ आदि के साथ स्नान दान के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जलदान यानी प्याऊ और अन्य जल केंद्रों की सेवा करना अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। इस महीने मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, बैसाख पूर्णिमा आदि प्रमुख त्योहार हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस महीने किए गए पुण्य कार्यों का फल अक्षय होता है। इस महीने 6 दिन सर्वार्थ सिद्धि और 1 दिन अमृत सिद्धि योग भी है। अक्षय तृतीया 3 मई को मंगल रोहिणी नक्षत्र के शोभन योग में मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन विवाह के साथ साथ वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। साथ ही प्रॉपर्टी भी आप और वाहन भी आप खरीद सकते हैं। दान पुण्य का भी इसमें विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भागीरथी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कुबेर जी को कहा था, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था। महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पत्र भेंट किए थे। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता, इसलिए उस पात्र से पांडवों को अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। वहीं अगर हम बात कर ले अक्षय तृतीया में शुभ मुहूर्त की, तो 3 मई सुबह 5:19 मतलब 5:19 से अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होने जा रहा है, जो समाप्त होगा 4 मई सुबह 7:33 तक, यानी कि कल सुबह 7:33 तक। तो 3 मई से शुरू होकर अक्षय तृतीया 4 मई तक चलेगी। 3 मई 5:19 से 4 मई 7:33 तक। रोहिणी नक्षत्र 3 मई की सुबह 12:34 से 4 मई की सुबह 3:18 तक ये रोहिणी नक्षत्र रहेगा। वहीं अगर बात कर ले कि इस बार शुभ योग में अक्षय तृतीया मनाने का 30 साल बाद संयोग बना है। इतना ही नहीं, 50 साल बाद ग्रहों की यह विशेष स्थिति बन रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वैशाख शुक्ल की तृतीया पर करीब 50 साल बाद 2 ग्रह उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे, जबकि 2 प्रमुख ग्रह स्वराशि में विराजमान रहेंगे। शुभ संयोग और ग्रहों की विशेष स्थिति में अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से भरे कलश पर फल रखकर दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, तैलकरण और वृषभ राशि के चंद्रमा के साथ आ रही है। इस दिन मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र होने से मंगल रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। शोभन योग इसे और ज्यादा खास बना रहा है। साथ ही 5 दशक बाद ग्रहों की विशेष योग भी बन रहे हैं, इसलिए इस बार का अक्षय तृतीया कई मायनों में बेहद खास है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज एस्ट्रो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।